मंडलायुक्त जयंत मालिकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर निदेशक स्वास्थ्य चारों जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, आईएमए एसोसिएशन गोरखपुर, नर्सिंग होम एसोसिएशन के प्रतिनिधियों एवं प्राइवेट चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि सभी को मिलकर मंडल में कोविड संक्रमितों के उपचार हेतु बेडों की संख्या को अधिकतम बढ़ाना होगा, साथ ही किसी भी आपात स्थिति के लिए भी तैयार रहने की आवश्यकता है। उन्होंने चारों जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने जनपदों में प्राइवेट चिकित्सालयों से वार्ता करके कोविड उपचार हेतु ज्यादा से ज्यादा बेडों की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त ने रेलवे अस्पताल के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि रेलवे अस्पताल में भी कोविड मरीजों के इलाज के लिए बेडों एवं वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर एयरफोर्स से भी वार्ता करके एयरफोर्स अस्पताल में कोविड बेडों की अधिकांश व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में बीआरडी मेडिकल कॉलेज, 100 बेडेड टीवी अस्पताल के साथ साथ पेनेसिया सुपर स्पेशलिटी सेंटर, गर्ग अस्पताल, मल मैटरनिटी सेंटर, मेडी हब अस्पताल, गोरखपुर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, फातिमा अस्पताल, उदय मेडिकल सेंटर, आरके इमरजेंसी सेंटर, आर्यन अस्पताल, दुर्गावती अस्पताल एवं दी प्राइड अस्पताल में भी कोविड के संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मंडलायुक्त ने कहा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑक्सीजन का आकलन करते हुए आगणन प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा ऑक्सीजन सप्लाई करने वालों से वार्ता करते हुए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके। पीएससी, सीएससी एवं जिला अस्पताल में भी आइसोलेशन वार्ड रूम की व्यवस्था की जाए, जिससे कि संक्रमितों को त्वरित रूप से उपयुक्त अस्पतालों में रेफर किया जा सके। उन्होंने आईएमए के प्रतिनिधियों से अपील किया है कि आपदा के इस समय सभी को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, इसलिए आईएमए भी प्राइवेट चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों से वार्ता करके अधिक से अधिक कोविड बेड की व्यवस्था बनाने में सहयोग करे। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही प्राइवेट अस्पताल में कोविड टेस्टिंग एवं संक्रमितों का उपचार किया जाए, आईएमए ने भी मदद का आश्वासन दिया। वहीं इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईएमए एसोसिएशन गोरखपुर के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, कमिश्नर साहब जो है आज एक आपात बैठक बुलाई थी, वर्चुअल मीटिंग की थी, और उसमें जो है ये रखा गया कि उसमें सीएमओ साहब, मेडिकल कॉलेज के सभी लोग जो है मौजूद थे, और कमिश्नर साहब की चिंता ये थी कि भाई चूंकि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं गोरखपुर में, तो उसको देखते हुए उनका ये था कि भाई प्राइवेट वाले बिल्कुल तैयार रहे। तो हम लोगों ने आश्वासन दिया कि भाई पिछली बार भी हम लोगों ने काफी कोशिश करके यथासंभव मदद की थी, और हम लोग इस बार भी उस फेवर में हैं कि भाई इसको किस तरह से निपटा जाए। हम लोग उसमें का आश्वासन यही था कि भाई अभी हॉस्पिटल के नंबर और हम लोग बढ़ाएंगे जो कोविड के अभी बन चुके हैं। अभी कल फिर इस बारे में फिर हम लोग बैठ के समीक्षा करेंगे कि कौन कौन से हॉस्पिटल आ गए, और इसी क्रम में एक चीज और आई थी कि डायग्नोस्टिक के लिए जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन कोविड के हैं वो कोई सस्ते दर पे इस तरह से उपलब्ध करा दिया जाए कि जिससे नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे हो। तो ये कुल आज का लब्बो लुआब कुल टोटल मकसद यही था, और कमिश्नर के आशय चिंता बड़ी जायज है, और उस पर हम लोगों ने प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे और आईएमए अध्यक्ष के नाते होने के नाते मैं भी था, और आईएमए के महामंत्री भी थे, तो सभी लोगों ने इस चीज को पॉजिटिव ढंग से लिया, और ये अभी हम लोग कल इस पे बैठ के सुबह फिर से एक बैठक करके और सारे हॉस्पिटल के लिए। सर एक इशू ये हुआ है कि जो शासन की निर्धारित दरें हैं उस दरों पे क्या आप लोग सहमत हैं कि पूरा चीजों को या उससे कम पे भी करने के लिए? देखिए शासन के दरें जो है, देखिए समस्या देखिए दो चीजें होती है, शासन का दर और प्राइवेट दर दोनों एक नहीं हो सकते हैं। उसकी समस्या ये है कि जो अगर आप रिएजेंट पूछेंगे आप शायद सीबीसी हमारी समझ से 10-15 रुपए में है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि सीबीसी जो है गवर्नमेंट की दर में जो है वो 10-12-15 रुपए ऐसे कुछ है। अब प्राइवेट में उसका रिएजेंट ही हमको 25 रुपए का मिलता है, प्लस उसके मशीन का मतलब प्लस पर टेस्ट की मैंने बात की, उसके साथ में क्वालिटी और ये सारी चीजें लगाते लगाते मैं समझता हूँ 30-35-40 रुपए आ जाते हैं, तो कैसे कोई 15 रुपए में कर पाएगा, आप समझे ना? तो इसलिए ये एक निर्णय लिया गया
जो मरीज, देखिए दो उसमें कैटेगरी बनाई गई, जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको हम लोग वहीं से मेडिकल कॉलेज से, क्योंकि वो उन लोगों ने आउटसोर्स कर रखा है और उसमें एक तरह से पीपीपी मॉडल पे है, तो उसमें प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप पे है, तो उसमें जो चीजों का जो है उस तरह से वहां किया गया है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और होम क्वारंटाइन में है, उनके लिए प्राइवेट डायग्नोस्टिक जो है ये जाके वहां से उनके घर से सैंपल इकट्ठा करेगा और उनको रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप पे या उनको सूचना इस तरह से कुछ किसी माध्यम से दे दी जाएगी, या उनके घर का कोई लेना चाहे तो हार्ड कॉपी भी ले सकता है। तो इस पे रेट्स की निगोशिएशन के लिए भी कल मॉर्निंग हम लोग सीएमओ के साथ बैठने वाले हैं। सर इसमें एक मानवता पर संकट है जी। सर आईएमए इसमें सर क्या मदद कर रहा है आम पब्लिक को? आईएमए इसमें अभी हम लोगों ने अभी आज भी हम इस मीटिंग के बाद, कमिश्नर साहब की मीटिंग के बाद भी हम लोग सभी लोग बैठे हुए थे, दो तीन लोग जो है जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उसमें ये तय पाया गया कि भाई एक तो हम लोग अभी पहल शुरू करना चाहते हैं जो एक मिनिमम फीस के साथ जो है वर्चुअल जो है एक कंसल्टेशन, डिजिटल कंसल्टेशन जिसको आप कह सकते हैं, ये देने की बात है। अभी उसका नाम, उसके नाम की भी हम लोग छटाई कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल को, कई प्राइवेट हॉस्पिटल को हम लोग कोविड हॉस्पिटल में के बेड उसमें बहुत बढ़ाने जा रहे हैं, और डायग्नोस्टिक में भी ये कल प्राइवेट के आम सहमति बन जाएगी, तो एक तरह से नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप की चीजों पे एक हम लोग समाज की सेवा करेंगे, जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे उनको भी हम लोग वहाँ आउटसोर्स से पीओसीटी से, जो मेडिकल कॉलेज स्थित है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्थित है, दोनों जगह जो है इनकी जांचें होंगी।